तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई शिक्षा पॉइंट पर। तो बच्चों, पिछली वीडियो में जो है हमने प्रश्नावली 1.3 के 1 से लेकर के 6 तक के सवालों को हल किया है। अगर आप उनको देखना चाहते हैं और बाकी के भी जैसे प्रश्नावली 1.1, 1.2 उनके हल को भी देखना चाहते हैं, तो आप जो है प्रश्नावली के हलों को देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के उन सभी को देख सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो अब हम यहाँ पर करते हैं 1.3 के बाकी हुए बचे हुए प्रश्नों को। तो यहाँ पर ध्यान दो, 7वां क्वेश्चन हमें यह बोला है 10 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में। ठीक है, ध्यान से समझना, 10 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए माइनस का 2 अंक दिया जाता है एवं प्रयत्न नहीं किए प्रश्न के लिए 0 दिया जाता है। तो पहले हम समझते हैं इस क्वेश्चन को बच्चों। तो एक कक्षा में टेस्ट हुआ है, समझ में आ गया, जिसमें कुल कितने प्रश्न है, 10 प्रश्न है, समझ में आ गया, कुल 10 प्रश्न दे रखे हैं ना। ठीक है, उसमें से अगर कोई बच्चा क्या करता है, किसी प्रश्न का सही उत्तर देता है, तो हर सही प्रश्न के लिए उसको 5 अंक दिए जाएंगे। समझ में आ गया, हर सही प्रश्न के लिए 5 अंक दिए जाएंगे। अगर वो क्या देता है, गलत उत्तर देता है, तो ठीक है, अगर वो एक प्रश्न का गलत उत्तर देता है तो उसके लिए माइनस का 2 अंक दिया जाएगा। समझ में आ गया, माइनस का 2 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, अगर मान लो कोई बच्चा क्या करता है कि किसी प्रश्न को हल ही नहीं करता, बिल्कुल भी छोड़ देता है उसको, तो उसके लिए उसको कितने अंक दिए जाएंगे, 0 अंक दिए जाएंगे। समझ में आ गया। अब हम देखते हैं 7वें का पहला। तो 7वें का पहला बच्चों ये बोला है कि मोहन 4 प्रश्नों का सही उत्तर और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है, उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं। ठीक है, ये एकदम सरल है, समझ में आ गया, एकदम सरल है। बस यहाँ पर ध्यान से समझो कि मोहन जो है 4 प्रश्नों का सही उत्तर देता है और 6 प्रश्नों का क्या देता है, गलत उत्तर देता है, तो हमें बताना है मोहन द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने होंगे। समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे मोहन के सही उत्तरों द्वारा, एकदम सरल है बच्चों। ठीक है, बस एकदम ध्यान से यहाँ पर देखो, मोहन के सही उत्तरों द्वारा प्राप्त अंक, सही उत्तरों द्वारा प्राप्त अंक, मोहन के सही उत्तरों द्वारा प्राप्त अंक कितने होंगे बोलो बच्चों। ठीक है, मोहन ने कितने प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं, तो मोहन ने जो है 4 प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 × यानी कि 4 प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं और एक प्रश्न पर कितने अंक, सही एक सही प्रश्न के उत्तर पर कितने अंक दिए जाते हैं, 5 अंक दिए जाते हैं। तो 4 की गुणा किसके साथ हम करेंगे बोलो बच्चों, 5 के साथ करेंगे। तो जब हम 4 की गुणा 5 के साथ करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20। ठीक है, तो इसके सही उत्तरों के द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं, 20 अंक हैं। समझ में आ गया। अब उसके बाद यहाँ पर ये तो मोहन के सही उत्तर द्वारा प्राप्त अंक, अब यहाँ पर हम लिखेंगे गलत। ठीक है, गलत उत्तरों द्वारा प्राप्त अंक कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर ध्यान दो, गलत उत्तरों की संख्या कितनी है बच्चों, 6 है ना, और प्रत्येक प्रत्येक गलत उत्तर पर माइनस का 2 अंक दिया जाता है, यानी कि अगर एक प्रश्न क्या है गलत है तो माइनस के 2 अंक दिए जाते हैं, तो यहाँ पर कुल कितने प्रश्न गलत है बोलो बच्चों, 6 हैं। तो इसकी गुणा किसके साथ कर देंगे, -2 के साथ कर देंगे, तो हमें जो है यहाँ पर गलत उत्तरों द्वारा प्राप्त अंक आ जाएंगे। समझ में आ गया। तो ये 6 है। अब यहाँ पर ध्यान दो, आपको पिछली वीडियो में भी समझाया गया था कि संख्याओं को गुणा करने से पहले उनके चिन्हों की गुणा करो, तो ये 6 प्लस का है, प्लस की गुणा जब माइनस के साथ करेंगे यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और 6 की गुणा 2 के साथ करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर गलत उत्तरों द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं, -12। अब यहाँ पर ये पूछा है कि उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने, यानी कि कुल अंक कितने हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कुल अंक। ठीक है, कुल अंक के लिए हम दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो यहाँ पर कितना हो गया, 20 हो गया, प्लस यहाँ पर दे रखा -12, तो ये तो कितना हो गया, 20 हो गया। जब ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस की गुणा इस माइनस के साथ होगी और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -12। ठीक है, अब यहाँ पर 20 है ना, 20 में से जब 12 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 8 आ गया। बड़ी वाली संख्या के पास प्लस का चिन्ह, तो ये प्लस का 8 आ गया। समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या पूछा है, उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः मोहन द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं बोलो बच्चों, 8 है। समझ में आ गया। तो ये हो जाएगा इस सवाल का हल। अब हम देखते हैं इसका दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल ये बोला है हमें, थोड़ा ध्यान से समझना, रेशमा के पांच सही उत्तर है। समझ में आ गया, रेशमा के 5 सही उत्तर हैं और 5 उत्तर गलत हैं। ठीक है, पांच जो उत्तर है वो सही है और 5 उत्तर गलत है, उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे रेशमा के सही उत्तरों द्वारा। ठीक है, सेम लाइन रहेगी, रेशमा के सही उत्तरों द्वारा
प्राप्त अंक, रेशमा के सही उत्तरों द्वारा प्राप्त अंक, यानी कि रेशमा ने जो है कुल कितने प्रश्न सही किए, 5 प्रश्न सही किए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 × 1 प्रश्न के कितने अंक दिए जाते हैं बच्चों, 5 अंक दिए जाते हैं ना, तो 5 × 5 से कर देंगे तो हमारे पास कितना अंक प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर, 25 अंक। तो 25 अंक किसने प्राप्त किया, हमने नहीं, रेशमा ने प्राप्त किया। समझ में आ गया, रेशमा के सही उत्तरों के द्वारा उसको 25 अंक प्राप्त हुए। अब इसके गलत उत्तरों के द्वारा, ठीक है, गलत उत्तरों के द्वारा ये सेम लाइन नीचे में भी होगी, प्राप्त अंक कितने हो जाएंगे बोलो बच्चों, यहाँ पर गलत उत्तरों की संख्या भी तो 5 थी ना, और एक गलत उत्तर पर माइनस का 2 अंक दिया जाता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का 10 अंक हो जाएगा। कितना अंक हो जाएगा बोलो बच्चों, माइनस का 10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर रेशमा के द्वारा प्राप्त कुल अंक, ठीक है, कुल अंक कितना हो जाएगा बोलो बच्चों, कुल अंक जो है हो जाएगा, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो 25 में जोड़ो, 25 में जोड़ना है माइनस का 10, ठीक है। तो यहाँ पर 25 जब ब्रैकेट खुलेगा तो इस प्लस गुणा माइनस के साथ हो गया, और प्लस माइनस माइनस के यहाँ पर 10 हो जाएगा, ये प्लस का चिन्ह, ये माइनस का चिन्ह, जब प्लस की गुणा करेंगे माइनस के साथ तो माइनस होता है, 25 में से 10 गया 15 बच गया, और बड़ी वाली संख्या के पास प्लस का चिन्ह है तो प्लस का 15। तो रेशमा के द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने हैं, 15। तो यहाँ पर हमें लिखना है रेशमा द्वारा प्राप्त कुल अंक, रेशमा के द्वारा प्राप्त कुल अंक जो है, कुल अंक कितना है बोलो बच्चों, कुल अंक 15 है, ठीक है, कुल अंक कितना है रेशमा के द्वारा प्राप्त, 15 है। तो अब हम देखते हैं इसके, हमें ये बोला है हिना ने कुल 7 प्रश्न किए, समझ में आ गया, तो हिना ने कितना किया प्रश्न, 7 प्रश्न किया, और 3 प्रश्नों किसने क्या कर दिया, पहले ही छोड़ दिया, तो 3 प्रश्नों के तो उसको बिल्कुल भी नंबर नहीं मिलेंगे, समझ में आ गया। तो हिना ने कुल 7 प्रश्न किए, उनमें से 2 का उत्तर सही, यानी कि 7 प्रश्नों में 2 सही हो गए, और 5 का जो उत्तर है उसने क्या किया है बोलो बच्चों, गलत किया है, तो उसे कितने अंक प्राप्त हुए, ठीक है, सेम उसी फॉर्मेट से हमें करना है। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हिना के सही उत्तरों द्वारा प्राप्त अंक, हिना के सही उत्तरों द्वारा, ठीक है बच्चों, हिना के सही उत्तरों द्वारा प्राप्त अंक कितना हो जाएगा, हिना के सही उत्तरों द्वारा प्राप्त अंक हो जाएगा। यहाँ पर सही उत्तर किसने दिए, इतने 2 दिए हैं ना, और प्रत्येक सही उत्तर पर 5 अंक दिया जाता है, तो 2 सही उत्तर में कितने अंक दिए मिलेंगे इसको, 10 अंक मिलेंगे, समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे गलत उत्तरों द्वारा प्राप्त अंक कितने हो जाएंगे बोलो बच्चों, गलत उत्तर इसने कितना दिया है, 5 दिया है ना, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए माइनस के 2 अंक दिए जाते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का 10, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा है कि तो उसे कितने अंक प्राप्त हुए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुल अंक कर देंगे, यानी कि हिना के द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने हो जाएंगे, दोनों को जोड़ देंगे 10 प्लस में ब्रैकेट के अंदर में माइनस का 10, तो यहाँ पर 10 जब ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस की गुणा माइनस के साथ, तो ये बन जाएगा माइनस का 10, ठीक है, 10 से 10 कट गया, 10 में से 10 गया, 0 बच गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अतः हिना द्वारा प्राप्त कुल अंक, हिना के द्वारा प्राप्त कुल अंक कितना है बोलो बच्चों, 0 है, समझ में आ गया, ये एकदम सरल था। अब हम देखते हैं अपने सवाल को, तो अगला सवाल हमें ये बोला है एक सीमेंट कंपनी को सफ़ेद सीमेंट बेचने पर 8 रुपये प्रति बोरी की दर से लाभ होता है, और स्लेटी रंग की सीमेंट बेचने पर 5 रुपये प्रति बोरी की दर से हानि होती है, ठीक है, यानी कि एक सीमेंट की कंपनी है जो अगर एक सफ़ेद रंग की सीमेंट बेचती है तो उसको 8 रुपये का क्या होता है, लाभ होता है, यानी कि फ़ायदा होता है, और 5 रुपये किस पर नुकसान होता है, इसको स्लेटी रंग की सीमेंट पर, स्लेटी रंग की सीमेंट बेचने पर 5 रुपये का नुकसान होता है, जबकि सफ़ेद रंग की सीमेंट बेचने पर 8 रुपये का फायदा हो रहा होता है उसे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं 8वें का पहला क्या बोला है, किसी महीने में वह कंपनी 3000 बोरियां सफ़ेद सीमेंट की और 5000 बोरियां स्लेटी रंग की सीमेंट की बेचती है, तो उसका लाभ अथवा हानि क्या है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे बेची गई, ठीक है बच्चों, ध्यान दो यहाँ पर, बेची गई सफ़ेद सीमेंट, ठीक है, सफ़ेद सीमेंट की बोरियां, समझ में आ गया, बेची गई सफ़ेद सीमेंट की बोरियां, तो सफ़ेद सीमेंट की बोरियां कितनी बेची गई है बोलो बच्चों, कितनी बेची गई है, तो सफ़ेद सीमेंट की बोरियां कितनी बेची गई है, सफ़ेद सीमेंट की जो बोरियां है वो 3000 बेची गई है ना, 3000 बेची गई है, ठीक है, 3000 बेची गई है, तो 3000 पर कुल लाभ, तो इसका जो कुल लाभ है कितना हो जाएगा, एक बोरी पर कितना लाभ होता है, एक बोरी पर 8 रुपये का लाभ होता है, तो 3000 की गुणा हम 8 के साथ कर देंगे तो हमारे पास में कुल लाभ आ जाएगा, तो करो जब 3 की गुणा करें 8 के साथ में कितना हो गया, 8 या 24 हो गया, समझ में आ गया, तो ये कितना हो जाएगा, 24000 हो जाएगा, समझ में आ गया। तो कंपनी को जो है कितने रुपए का लाभ हुआ, तो 24000 रुपये का कंपनी को लाभ हुआ, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे बेची गई
बेची गई स्लेटी सीमेंट की बोरियां, बेची गई स्लेटी स्लेटी सीमेंट की बोरियां, बेची गई स्लेटी सीमेंट की बोरियां, स्लेटी सीमेंट की बोरियां। तो बेची गई स्लेटी सीमेंट की बोरियां कितनी है बच्चों, बोलो। बेची गई स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या कितनी दे रखी है, 5000 दे रखी है ना, 5000 दे रखी है, ठीक है, 5000 ये तो बोरियों की संख्या है। अब इस पर कंपनी को हुआ कुल हानि, क्योंकि जब हम स्लेटी रंग की सीमेंटों को बेच रहे हैं तो कंपनी को हानि ही तो हो रहा है, तो हमें यहाँ पर 5000 बोरियों पर, 5000 स्लेटी रंग की बोरियों पर कितने रुपए की हानि हुई है कंपनी को उसको बताना है। तो एक बोरी पर बोलो बच्चों कितने रुपए की हानि होती है, 5 रुपए की हानि होती है, तो 5000 की गुणा किसके साथ करेंगे, 5 के साथ करेंगे, तो कितने की हानि हो जाएगी, 5 × 5 = 25, तो 25000 की क्या हो जाएगी कंपनी को हानि हो जाएगी। समझ में आ गया, 25000 रुपए की कंपनी को हानि हो जाएगी, लाभ 24000 और हानि जो है 25000 की होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके सवाल को, तो अगला सवाल ये बोला है यदि बेची गई स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या 6400 है तो कंपनी को सफेद सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे ना तो लाभ हो और ना ही हानि हो, ठीक है। तो यहां पर हम सबसे पहले लिखेंगे बेची गई स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या कितनी है, बोलो बच्चों बोरियों की संख्या यहाँ पर कितना दे रखा है, 6400 दे रखा है, कितनी दे रखा, तो इन 6400 स्लेटी रंग की बोरियों पर कुल हानि कितनी की हो जाएगी, तो 6400 की गुणा कर दो कितने के साथ है, 5 के साथ, क्योंकि एक बोरी पर 5 रुपये की गुण, 5 रुपये का हानि होता है, तो 6400 बोरी पर इसकी गुणा इसके साथ कर देंगे, यानी बोरियों की संख्या की गुणा यहाँ पर 5 के साथ कर देंगे, तो हमारे पास कुल हानि आ जाएगी, तो कुल हानि कितनी है, 64 की गुणा करो 5 के साथ, ये हो जाएगा 320 हो जाएगा, फिर 2 जीरो लगा दो, तो कुल कितने रुपए की हानि होती है कंपनी को बोलो बच्चों। स्लेटी रंग की सीमेंटों पर बच्चों 32000 रुपए का क्या होता है, हानि होता है, ठीक है। तो अब जो है हमें क्या ज्ञात करना है कि सफेद रंग की कितनी सीमेंट की बोरियां हम बेचे ताकि हमें ना तो इस कंपनी को जो है ना तो लाभ और ना ही हानि हो, तो हम क्या करेंगे 32000 में, ठीक है, इस 32000 में 8 का भाग दे देंगे, क्यों दे देंगे, क्योंकि ये जो 8 है ये एक सफेद बोरी पर बेचने पर लाभ होता है, ठीक है। तो हम 32000 में 8 का भाग दे देंगे तो हमें बोरियों की संख्या ज्ञात हो जाएगी, कौन से बोरियों की, सफेद सीमेंटों की बोरियों की, तो यहाँ पर भाग दो, ये 8 एक बार में कट गया और ये कट गया 4 बार, 8 × 32, तो यहाँ पर कितना आ गया, ये 4000 आ गया, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः सफेद सीमेंट की 4000 बोरियां क्या करनी पड़ेंगी, बेचनी पड़ेंगी, जिससे हमें ना तो लाभ होगा ना ही हानि होगा। समझ में आ गया, फिर से एक बार ध्यान से सुन लो, ये हमें लिखना है कि सफेद सीमेंट की कितनी की जगह पर हमें लिखना है 4000, सफेद सीमेंट की 4000 बोरियां बेचनी चाहिए ताकि कंपनी को ना तो लाभ हो और ना ही हानि हो, ठीक है बच्चों। तो अब हम बढ़ते हैं अपने, तो बच्चों अब हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को, नवा क्वेश्चन ये बोला है निम्नलिखित को सत्य कथनों में परिवर्तित करने के लिए रिक्त स्थानों को पूर्णांक से प्रतिस्थापित कीजिए, ठीक है। तो ये रिक्त स्थान यहाँ पर हमें पूर्णांकों को लिखना है, तो माइनस के 3 की गुणा हम किस संख्या के साथ करें कि यहाँ पर प्लस का 27 प्राप्त हो जाए, तो ध्यान दो बच्चों, तो माइनस की गुणा जब माइनस वाली संख्या से होगी या माइनस वाले पूर्णांक से होगा तभी तो यहाँ पर 27 रहेगा ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस का 9, माइनस माइनस प्लस और 3 × 9 = 27 हो गया। अब यहाँ पर 5 गुणा किस संख्या के साथ करें कि माइनस का 35 प्राप्त हो जाए, तो यहाँ पर माइनस के 7 से करेंगे। यहाँ पर किसकी गुणा माइनस के 8 के साथ करें कि यहाँ पर माइनस का 56 प्राप्त हो जाए, तो यहाँ पर प्लस का 7 लेंगे, तभी तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है, और 7 × 8 = 56 हो गया। यहाँ पर ध्यान दो माइनस के 12 की गुणा यहाँ पर किसके साथ करें कि हमें 132 प्राप्त हो जाए, वो भी प्लस का, तो यहाँ पर माइनस का 11 ले लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 11 की गुणा जब 12 के साथ करेंगे तो वो हो जाएगा 132, ठीक है बच्चों। तो ये जो है हमारी प्रश्नावली 1.3 जो है आज संपन्न होती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए पधारे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है बच्चों, और अगली आने वाली वीडियो को जरूर देखने के लिए सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन आ रहा होगा उसको प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाली अगली वीडियो सबसे पहले आपको मिले।